नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से INDIE हिंदी टेक चैनल में स्वागत करता हूं। यस बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से एक है और इसमें अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन घर बैठे अकाउंट खोल सकते हैं। यस बैंक की जो अकाउंट आप ऑनलाइन खोलते हैं वो बिल्कुल पेपरलेस अकाउंट खोले जाते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं होता है, घर बैठे आप फुल KYC अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें आप वीडियो KYC के मदद से अपना फुल KYC कंप्लीट कर सकते हैं। यस बैंक की अकाउंट ओपनिंग टाइम जो है सुबह के 8 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक है। इसके साथ ही वीडियो KYC का जो समय है वो सुबह के 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इनका जो एजेंट है वो वीडियो KYC कंप्लीट करने के लिए अवेलेबल होते हैं। इसमें आपको फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड के साथ साथ प्लास्टिक वाला डेबिट कार्ड और चेकबुक भी मिलता है, जहां पर फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड इंस्टेंट मिल जाता है और प्लास्टिक वाला डेबिट कार्ड और चेकबुक आपके एड्रेस पर 7 वर्किंग डेज से लेकर 15 वर्किंग डेज के अंदर भेज दिया जाता है। यस बैंक की आप अकाउंट खोलते हैं तो इसमें आपको अनलिमिटेड फ्री ATM ट्रांजेक्शन की फीचर्स मिलते हैं। साथ ही साथ यस बैंक के किसी भी ब्रांच को आप एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो आपके होम ब्रांच रहे या फिर नहीं। कोई भी यस बैंक जो आपके नजदीक में ब्रांच है वहां पर जाकर आप सर्विसेज ले सकते हैं। यस बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आप इसका मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और व्हाट्सएप बैंकिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आप फ्री में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। IMPS, NEFT, RTGS और UPI ट्रांजेक्शन भी आप कर सकते हैं। आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम या फिर जिस जो भी UPI एप्लीकेशन है उसमें आप यस बैंक के सेविंग्स अकाउंट को खोलकर लिंक करके UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यस बैंक के पास 1000 से ऊपर ब्रांचेस हैं और 1800 से ऊपर ATMs हैं, जहां पर आप लोगों को सर्विसेज मिलती है। यस बैंक के सेविंग्स अकाउंट में जो बैलेंस रहते हैं उस पर अप टू 5.25% पर एनम के अनुसार से इंटरेस्ट मिलता है। इसके साथ ही जो सेविंग्स अकाउंट आप खोलते हैं वह एक जीरो बैलेंस नहीं होता है, बल्कि इसमें आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस जो मंथली के हिसाब से है वो 10,000 मेंटेन करना होता है। तो आइए देखते हैं कि यस बैंक में आप सेविंग्स अकाउंट कैसे खोलते हैं और क्या प्रोसेस है। यस बैंक की सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक करें। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको अपना नेम एंटर कर देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। फिर आपसे अपने डिवाइस की लोकेशन परमिशन मांगा जाएगा तो आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहां पर आपके सामने मोबाइल नंबर एंटर करने की ऑप्शन मिलेंगे। आप वही मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपको यहां पर दिए गए कैप्चा को फिलअप करना है। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे, आपको OTP दर्ज करना है। फिर आपको यहां पर ईमेल आईडी दर्ज करके वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करना है। वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करने के बाद एक वेरिफिकेशन लिंक आपके ईमेल पर रिसीव होता है। तो ये रहा ईमेल पर आने वाला लिंक, इस लिंक पर क्लिक करना है और ब्राउजर से ओपन कर लेना है। उसके बाद ईमेल वैलिडेट बता दिया जाएगा। फिर आपको यहां पर आधार नंबर दर्ज करने की ऑप्शन मिलेंगे। आधार नंबर दर्ज करके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है और वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। जब आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं एक OTP आपको प्राप्त होते हैं। आधार वेरीफाई करने के बाद आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना है। पैन नंबर दर्ज करने के बाद डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है। अभी तक आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार और पैन वेरीफाई कर लिया गया है। उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन की ऑप्शन आते हैं, जिसमें KYC टाइप में फुल KYC अकाउंट रहेंगे। तो आप यहां पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद सेविंग्स अकाउंट की ऑप्शन आते हैं, जिसमें सेविंग्स अकाउंट प्रो और सेविंग्स अकाउंट प्रो प्लस। प्रो सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं तो एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें आपको फ्री वीजा प्लैटिनम वर्चुअल डेबिट कार्ड दे दिया जाता है। उसके बाद यस बैंक के सेविंग्स अकाउंट प्रो प्लस के बारे में बात करें तो इसमें एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें आपको टाइटेनियम प्लस डेबिट कार्ड दिए जाते हैं, जिसका सालाना चार्ज ₹399 रखी गई है, जिसमें आपको लाइफस्टाइल बेनिफिट मिलता है वर्थ 10,000 का। तो 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस वाला अकाउंट खोलना चाहते हैं तो सेविंग्स अकाउंट प्रो पर क्लिक करें, फिर प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद आपको एग्री करना पड़ेगा कि आप मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 मेंटेन करेंगे सेविंग्स अकाउंट में, तो ओके वाले निशान पर क्लिक करें।
उसके बाद आधार डिटेल बताए जाते हैं जो आपके आधार कार्ड से आपका फोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका नाम उठा लिया जाता है, वही डिटेल यहां पर बताए जाते हैं। फिर आपको पर्सनल एंड एड्रेस डिटेल की ऑप्शन मिलती है, जहां पर फादर या स्पाउस नेम डालना होता है, मदर्स नेम डालना होता है, डेबिट कार्ड के ऊपर जो नाम रहता है वो आपको दिखाई दे देता है, प्लेस ऑफ बर्थ डालना होता है, रेसिडेंस, फोन नंबर, ये ऑप्शनल में है। तो आप यहाँ पर सारा डिटेल डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। फिर आपको ब्रांच एंड नॉमिनी डिटेल डालने की ऑप्शन आती है, अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहती हैं तो यस पर क्लिक करें। नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है, नॉमिनी का क्या डेट ऑफ बर्थ है, नॉमिनी का क्या एड्रेस है वो डालना होता है, और आपके नियर बाय जो भी ब्रांच रहेगा वो ब्रांच आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको मिलते हैं प्रोफाइल डिटेल की ऑप्शन, जहां पर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैरिटल स्टेटस, शादी हो चुका है या फिर नहीं, रेसिडेंस टाइप, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कहां तक पढ़े लिखे हैं, ऑक्यूपेशन टाइप मतलब क्या करती हैं, सोर्स ऑफ फंड क्या है, एनुअल यानी सालाना इनकम क्या है, ये डिटेल डालने के बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको एक बार प्रीव्यू दिखाया जाता है, जो भी आपने डिटेल डाला है वो पूरे फॉर्म में दिखा दिया जाता है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो पेंसिल वाले निशान पर क्लिक करके फिर से एडिट कर सकते हैं। सारे डिटेल के बगल में आपको पेंसिल वाले निशान दिखाई देते हैं। फिर आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं, जिसे आप अच्छी तरह से रीड करेंगे, उसके बाद आप एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ऑथराइजेशन की ऑप्शन आता है, जहां पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। आप यहां पर ओटीपी दर्ज करते हैं, उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है और वहीं पर आपको वीडियो केवाईसी करने की ऑप्शन मिलती है। आप चाहें तो वहीं से वीडियो केवाईसी कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक लिंक भी ईमेल के थ्रू प्रोवाइड कराए जाते हैं, नहीं तो बाद में यस बैंक की वेबसाइट पर आकर भी वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर को दर्ज करके। आपका जो कस्टमर आईडी, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और ब्रांच का डिटेल, साथ ही वर्चुअल डेबिट कार्ड रहता है, वो आपको बाय ईमेल जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर भेज दिया जाता है, और 15 दिन के अंदर आपको फिजिकल रूप में आपके घर पे आपके एड्रेस पर वेलकम किट भी मिल जाता है, जिसमें आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड, चेकबुक वगैरह आपको 15 दिन के अंदर मिल जाती है आपके एड्रेस पर। इस प्रकार से आप यस बैंक का सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है। तो जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से यस बैंक के सेविंग्स अकाउंट खोले जाते हैं, साथ ही वीडियो केवाईसी भी आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, इसकी मोबाइल बैंकिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं, जो वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिलते हैं उसी के मदद से। ये वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको वेलकम किट के तौर पर ईमेल पर प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यस बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं और आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आशा करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से अकाउंट खोल सकते हैं। और बैंक अपने टर्म्स एंड कंडीशन चार्जेस में अपडेट करते ही रहती है, तो अगर साल दो साल बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरा देख लीजिएगा कि क्या कुछ अपडेट किए गए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।